हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम से बढ़िया हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, मैं एक पुराने लोअर का यूज़ करके बहुत ही प्यारा सा हैंड बैग बनाने वाली हूँ, जो कि काफ़ी आसान तरीके से बनाऊँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये देखिए, मेरा वूलन का जो सर्दियों वाला होता है ना, वेलवेट टाइप का, इस तरह का मेरा ये लोअर है। इसका यूज़ करके आज हम क्या बनाने वाले हैं? तो एक देखिए, मेरे बेटे का पजामा था, कुर्ता पजामे का, तो एक साइड का मैंने यूज़ कर लिया और एक साइड का आज यूज़ करूँगी। तो आज बहुत ही प्यारा सा और आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, ये वाला लोअर है जो मैंने आपको दिखाया है, काफ़ी पुराना है। अभी ये ना थोड़ा थोड़ा सा इसमें छोटे छोटे बैक साइड पे होल हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो ये देखो ना, इसमें जो डोरी पड़ी है ना, ये भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं क्या सोच रही थी कि इस डोरी को भी रख लेती हूँ निकाल के। तो यहाँ पर हल्का सा कट लगा के मैंने डोरी को यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि ये फीता था ना, फीता टाइप का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं तो मेरा ये यूज़ में आ जाएगा, तो इसको मैं निकाल के रख लेती हूँ। अब ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, ये देखिए इलास्टिक वाला, ये ढीला हो गया है काफ़ी, तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। अब देखिए, अलग अलग कर लेती हूँ, मैं सिलाई को ओपन कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें हम राइस बैग का यूज़ करने वाले हैं, इसमें आज कोई फोम वगैरह नहीं डालेंगे। तो पहले ओपन पूरा इसको कर लेती हूँ। दो पीस हैं, देखिए दो साइड के दो पीस मेरे काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के निकल गए, क्योंकि ये जो लोअर था ना, काफ़ी खुला खुला था। अब देखिए, हमने लेना है एक राइस बैग, प्लास्टिक का बैग, कोई भी प्लास्टिक की बोरी ले लीजिए। इसको जो नीचे सिलाई है उसको मैं निकाल लेती हूँ। अब यहाँ से बोरी को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, अब जितना मुझे पीस चाहिए वो मैं निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना पीस मुझे चाहिए, क्या मेज़रमेंट है। तो 22x29 इंच का मैंने एक पीस निकाल लिया है, 22x19 इंच का एक पीस ले लिया है। जहाँ से 22 इंच है उस साइड को हमने फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते हुए मैंने पिंस लगा ली हैं। ये देखिए, अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब यहाँ से हमने 4 इंच पे एक निशान लगाना है ऊपर तक, 4 इंच पे एक निशान लगाया और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। तो ये देखिए, सीधी लाइन मैंने जो है ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से मैं रखूँगी 2.5 इंच, 2.5 इंच पे एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर वाली साइड पे ये देखिए, यहाँ पे ना हल्का सा हमने कर्व बनाना है, तो 1 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से हमने गोलाई लगा लेनी है। पूरा अच्छे से नाप लगाते हुए आपने बराबर से गोलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे गोलाई लगा ली। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कटिंग कैसे करनी है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से लेकर ऊपर वाली साइड को, और जो हमने गोलाई लगाई है हल्की सी, उसको हमने कट कर लेना है। तो एक साइड की कटिंग हमने कर ली है, सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से रखेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे पहले निशान भी लगा सकते हो, इस तरह से रख के ना, स्केच पेन से ये देखिए इस तरह से निशान भी लगा सकते हो, और डायरेक्टली भी आप इसको कट कर सकते हो, जैसे भी आपको ईजी लगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। तो बस इस बात का आपने ध्यान रखना है कि पूरा हमारा ये बराबर आना चाहिए दोनों साइड से, ताकि हमारा बैग जो है एकदम से प्रॉपर बने, कहीं से भी बड़ा छोटा ना हो। तो देखिए, इस तरह का पैटर्न जो है हमने कट कर लेना है। अब लेते हैं जो मेरा ये प्लाजो वाला कपड़ा है, ये देखिए इस तरह से रखते हुए पहले बीच में पिन लगा लेते हैं। थोड़ा सा मैंने कट कर लिया। अब देखिए, मैं पिन अप कर लेती हूँ, ताकि ये जो प्लास्टिक की बोरी है ना, ये देखिए इस तरह से हिले नहीं। तो चारों साइड मैंने पिन लगा ली। अब चारों साइड से हमने एक सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखिए, बिल्कुल साथ साथ में हमने कट कर देना है।
तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न जो है बनके रेडी हो गया है। देखिए, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका प्रिंट जो है ना काफ़ी सुंदर है। अब हमने हैंडल लगाने हैं, तो हैंडल जो है मैं रेडीमेड वाले लगाऊंगी। आप चाहो तो कपड़े की पट्टी बनाकर भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने जो रेडीमेड जो स्ट्रिप होती है ना वो वाली लगाई है। अब देखिए, दोनों साइड से 2.5 इंच पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से हैंडल को रखते हुए, हैंडल की लंबाई जो है मैंने 18 इंच ली है और सेम इसी तरीके से दोनों साइड से हैंडल अटैच कर लिए हैं। अब देखिए, इसको किसी भी साइड से ले लीजिए, इस तरह से रखते हुए यहाँ पे एक निशान लगाना है और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी मार्क करेंगे और जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से ये देखिए इस तरह से नाप लेंगे। इस तरह से नाप लेते, इंच टेप को अगर इस तरह से रखोगे, अभी 17 इंच आया है तो 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी और जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी चौड़ी पट्टी हमने कट करनी है। तो 18 इंच बाय 5 इंच मैंने कट कर लिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब बीच में ये देखो मैं सेंटर का एक निशान लगा लूँगी। यहाँ से हमने डायरेक्टली इसको ओपन कट नहीं करना है, पहले मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या किया। बीच में ना पहले सेंटर का निशान लगा के और दोनों साइड पे सिलाइयाँ लगा ली, उल्टी साइड से आप देख सकते हैं, और फिर मैंने सेंटर में से इसको कट कर लिया। अब सेम साइज़ के हम जिप लेंगे, 2 रनर मैंने इसमें डाल लिए हैं। जिप को उल्टा करके रखते हुए सिलाई लगाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरा पीस भी जोड़ लेंगे और ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे, यहाँ से सिलाई लगा के और टॉप स्टिच लगा लूँगी। तो देखिए, एक पीस हमने ये बेल्ट हमने पूरी रेडी कर ली है। अब हमने दोनों साइड पे ये देखिए जो रेडीमेड वाली स्ट्रिप है ना, 3 इंच मैंने ली है, इस साइड पे भी लगा दूँगी फोल्ड करके और दूसरी साइड पे भी। अब देखिए इसको हमने कैसे अटैच करना है, इसका पहले सेंटर निकाल लेते हैं, सेंटर पे एक निशान लगा लेती हूँ। अब इसको कैसे अटैच करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और इस साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से पहले मैं स्टिच कर लेती हूँ। आप देखिए, इस तरह से सेंटर निकाल लिया है, दोनों साइड पे सेंटर का मैंने निशान लगा लिया है। आप चाहो तो कट भी लगा सकते हो। अब यहाँ से भी हम सेंटर निकाल लेंगे दोनों साइड से, ये देखिए। अब हमने जो इसको जोड़ना है ना, तो सेंटर के साथ सेंटर मिलाते हुए सेंटर से ही हमने जोड़ना शुरू करना है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार क्या होता है साइड को थोड़ा सा बढ़ जाता है, अगर हम सेंटर से जोड़ना शुरू करेंगे ना इस तरह से तो हल्का सा भी बढ़ जाएगा तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए, मेरा तो बिल्कुल बराबर आ गया है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जो सीख रहे होते हैं थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप सेंटर से ही जोड़ना शुरू कीजिएगा, अगर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और हमेशा ये पट्टी आपने 1 इंच बढ़ा के ही रखनी है, कभी भी बराबर नहीं कट करनी है। अब देखिए, एक उरे पट्टी लेते हुए हमने ये सारी सिलाइयों को इस तरह से लगाते हुए फिनिश कर लेना है। तो दोनों सिलाइयों को हमने कपड़े की पट्टी लगाते हुए और अच्छे से फिनिश कर लेना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कोई भी धागा वगैरह नहीं निकलेगा, अंदर के साइड हमने कोई लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ प्लास्टिक की बोरी का ही यूज़ किया है। तो सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताया करो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर मेरे वीडियोस में कोई आपको कमी लगती है तो मुझे ज़रूर बताया करें, और अगर अच्छे लगते हैं तो भी मुझे कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना ताकि जल्दी से मेरे 100K हो जाएं। तो आप लोगों के हाथ में ही है, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके हाथ में है कि मेरे जल्दी से जल्दी 100K हो जाएं। तो देखिए, ये हमारा बहुत ही प्यारा सा बैग देखिए बनके रेडी हो गया, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखो, तो अभी मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, अभी आप बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने खुद बनाया है, बिल्कुल रेडीमेड के जैसा इसका लुक आया है। तो अभी जो दूसरा पीस इसका बच गया है ना, उसका भी मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ बनाऊंगी, उसका भी आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि एक
प्लाजो में से हमने दो चीज़ें किस तरह से बना ली, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।